नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे। शुरुआत करते हैं लखनऊ की मंडी के साथ, जहां पर चावल के दाम 2400 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2030 रुपए रहे। फतेहपुर की मंडी की बात करें तो चावल के दाम 3380 रहे, गेहूं के दाम 2015 रहे, जौ के दाम 2115 रुपए रहे। आगरा की मंडी में चावल के दाम 6450 रुपए रहे, बाजरा के दाम यहां पर 1985 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 1925 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2160 रुपए रहे, जौ के दाम 2595 रुपए रहे। कानपुर की मंडी की बात करें तो यहां पर चावल के दाम 2205 रुपए रहे, ज्वार के दाम 2175 रुपए रहे, तो वहीं बाजरा के दाम 2180 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 2445 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2035 रुपए रहे, जौ के दाम 2660 रुपए तक रहे। इटावा की मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर गेहूं के दाम 2050 रुपए रहे, जौ के दाम 2535 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम यहां पर 2080 रुपए तक रहे। इसके अलावा बाजरा के दाम 1980 रहे, चावल के दाम 2430 रुपए तक रहे। अलीगढ़ की मंडी में धान के दाम 3400 रुपए रहे, तो वहीं चावल के दाम यहां पर 6450 रुपए रहे, बाजरा के दाम 1960 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 1950 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2080 रुपए रहे, जौ के दाम 2580 रुपए रहे। जालौन की मंडी में गेहूं के दाम 2022 रुपए रहे। प्रतापगढ़ की मंडी में चावल के दाम 2400 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम यहां पर 2015 रुपए तक रहे। प्रयागराज की मंडी की बात करें तो यहां पर चावल के दाम 3550 रुपए रहे, मक्के के दाम यहां पर 2155 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2065 रुपए रहे, जौ के दाम 2550 रुपए रहे। मुजफ्फरनगर की मंडी में चावल के दाम 6480 रुपए रहे, पीली मक्का के दाम 2010 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम 2120 रुपए रहे, जौ के दाम यहां पर 2640 रुपए रहे। अब बात कर लेते हैं दलहनों के क्या भाव रहे। तो बलिया की मंडी में काली उड़द के भाव 9230 रुपए रहे, हरी मूंग के भाव 8160 रुपए रहे, चने छोटे के भाव 5750 रुपए रहे, चने की दाल के भाव 6560 रुपए रहे, मटर दाल के भाव 6830 रुपए रहे। फरुखाबाद की मंडी में काली उड़द के भाव 8600 रुपए रहे, मूंग दाल के भाव यहां पर 8100 रुपए रहे, तो वहीं छोटे चने के भाव यहां पर 5300 रुपए रहे, चने दाल के भाव 6350, अरहर दाल के भाव 9400 रहे। गोंडा की मंडी में काली उड़द के भाव 7460 रुपए रहे, चने के भाव यहां पर 6025 रुपए रहे, चने दाल के भाव 6350 रुपए रहे, मटर दाल के भाव 7030 रहे, अरहर दाल के भाव 8960 रुपए तक रहे। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं देवरिया की मंडी में दलहन फसलों के क्या दाम रहे। तो काली उड़द के भाव यहां पर 7460 रुपए रहे, चने दाल के भाव 6250 रुपए रहे, सफेद मटर के भाव भी 6250 रहे, अरहर दाल के भाव 9070 रुपए रहे। मेनपुरी की मंडी की बात करें तो यहां पर भी दलहन फसलों की आवक रही। इसके अलावा बात कर लेते हैं बहराइच की मंडी में, जहां पर तिलहन के भाव के बारे में बात करें तो काली सरसों के भाव 6150 रुपए रहे, सरसों तेल के भाव 17300 रुपए तक रहे। रायबरेली की मंडी में काली सरसों के भाव 6320 रुपए रहे, सरसों तेल के भाव 15520 रुपए रहे, तो वहीं सरसों खाली के भाव यहां पर 2450 रुपए रहे। मेरठ की मंडी में काली सरसों के भाव 6525 रहे, सरसों तेल के भाव 16550 रहे, सरसों खली के भाव 3250 रुपए रहे। बाराबंकी की मंडी में काली सरसों के भाव 6400 रुपए रहे और सरसों तेल के भाव 16400 रुपए तक रहे। बरेली की मंडी की बात करें तो काली सरसों के भाव 6285 रुपए रहे, सरसों तेल के भाव 14575 रुपए तक रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का उत्तर प्रदेश का मंडी भाव अपडेट।
किसानों से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाइव के साथ। धन्यवाद।